वन वेलकम टू वर्स एजुकेशन टूडे वी विल डिस्कस ऑन हाउ वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में ई e के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती थी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये आपके पास सोर्स चार्ज है ये टेस्ट चार्ज है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती थी तो कैसे करते थे इस पर कितनी फोर्स लग रही है टेस्ट चार्ज चार्ज पे ड्यू टू टू सोर्स डिवाइडेड बाय इक्वल किसके बराबर होता था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एफ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट के बराबर ठीक है अभी हमें यही पॉइंट चार्ज की वजह से इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है देखो हम क्या कर लेंगे हमने एक सोर्स चार्ज ले लिया प्लस क्यू और ये टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट इनके बीच का डिस्टेंस ठीक है हमने स्मॉल स्मॉल आर मान लिया ठीक है दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है स्मॉल आर है अब हमें क्या करना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहां पे इसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है यहां पे ठीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इक्वल टू किसके बराबर होता है एफ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट ठीक है तो अब देखो हमें पहले फोर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ठीक है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ फोर्स की वैल्यू क्या आती है वन अपन फोर बाई एप्सरे नॉट दोनों वाले चार्ज के वैल्यू क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आर उसका स्क्वायर आर स्क्वेयर आ जाएगा ठीक है यही लग रही है फोर्स इस पर तो वन अपन फोर बाई एप्सरा नॉट क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर इसे हम फर्स्ट का नाम दे देंगे क्लियर है ओके अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ई किसके बराबर होता है एफ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट कितनी इस पर फोर्स लग रही है डिवाइडेड बाई क्यू नॉट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है ठीक है तो ई इक्वल टू क्या हो गया एफ अपॉन क्यू नॉट इसे हम सेकंड का नाम दे देंगे अब यहां से जो है देखो फोर्स की वैल्यू इस सेकेंड वाले में पुट करो पुटिंग वैल्यू ऑफ एफ फ्रॉम फर्स्ट इन सेकेंड यहां पे डालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी ई इक्वल टू किसके बराबर फोर्स की जगह ये वाली वैल्यू राइट डाउन कर लेंगे वन अपॉन फोर बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्कवाइडेड बाय क्यू नॉट क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसल आउट हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई नॉट क्यू डिड बाईर क्लियर है ये आपको हमेशा याद रखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होती है ई इक्वल टू ये बहुत जगह यूज होने वाली है आगे तक आपकी बहुत सारी डेरिवेशन में आपकी हेल्प करेगा ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है ई इक्वल टू वन अपॉन फोर बाई एप्स नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्र और आप इसे ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हो ई इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्र बहुत जगह ऐसे भी राइट डाउन किया होता है क्योंकि के की वैल्यू क्या होती है हम इसे इसे हम के कहते हैं ना इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स कॉन्स्टेंट तो ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हो आप के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्र के की जगह वन अपॉइंट फोर बाई एप्स नॉट है देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आपके पास सोर्स चार्ज है यहां पे इस पॉइंट पे आपको जो है क्या फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ठीक है इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना है आर है सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकलती है ई इक्वल टू एफ अपॉइंट क्यू पहले हमने क्या ले लिया इनका इनके बीच की इलेक्ट्रोसिटिक फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ क्या होती है एफ इक्वल टू वन अपॉइंट फोर पर एफ नॉट क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकलती है एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट हमने एफ की वैल्यू यहाँ पे पुट की क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई ई इक्वल टू वन अपॉइंट फोर पाई एफ नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ओके थैंक यू